नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे कि फिशर का आपके ऑपरेशन हो चुका है और अभी जो है आपको नॉनवेज जो है कब तक खाना चाहिए, या फिर जो भी आप नॉर्मल खाना पहले खाते थे वो आप कितने समय बाद जो है खाना खा सकते हैं वो नॉर्मल वाला। बेसिकली हमारे सब्सक्राइबर हैं शैलेंद्र जी दुबे, उन्होंने कमेंट किया है और वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप जो हैं फिशर की जो सर्जरी होती है उसके बाद जो हैं या ऑपरेशन के बाद जो हैं नॉनवेज खाना कब जो हैं स्टार्ट कर सकता हूँ, बेसिकली उनका ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, फिशर होने के बाद जब आप ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद जो हैं आप नॉर्मल खाना अगर खाते हैं, देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन आपको कुछ खानों को जो हैं अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कब्ज जो है किस किस खाने से होती है, क्योंकि आपसे अच्छा जो है आपकी बॉडी को कोई नहीं जान सकता। आपको खुद को पता रहता है, आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको जो है अगले दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आपको पता रहता है कि आपका बॉडी जो है किस खाने के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है जिससे आपको कब्ज हो सकती है और फिर जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो वो खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिससे आपको कब्ज होती हो। इसमें नॉनवेज भी आता है वेज भी आता है। देखिए अगर नॉनवेज की मैं अगर बात करूं तो नॉनवेज खाने में जो है भले ही स्वादिष्ट लगता हो आपको लेकिन पचने में जो है बहुत ज़्यादा समय लेता है। नॉनवेज जो है वेज के मुकाबले काफ़ी टाइम से जो पचता है, तो इसमें होता ऐसा है कि अगर आपकी डाइजेशन पहले से कमज़ोर है, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन पक्का होना है, ये कन्फर्म है, क्योंकि एक तो आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, ऊपर से जो है आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपको जो है पचने में ज़्यादा समय लगेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और अभी अगर आपने ऑपरेशन करवाया है तो अभी जो है मान लीजिए आपको 15 दिन हुए हैं तो 15 दिन के अंदर बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है, भले ही आपके टाँके सूख जाएँ या फिर जो आपने लेज़र से करवाया है तो उसमें तो जो है खैर टाँके का कोई सवाल ही नहीं रहता है, उसमें तो आप जो है 20 दिन के बाद भी जो है आप नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल सर्जरी करवाई है जिसमें आपको टाँके वगैरह लगे हैं तो 15 दिन के अंदर कोई भी टाँके जो है पूरी तरह से रिकवर नहीं होते हैं, भले ही आपके खुल जाएँ टाँके लेकिन बॉडी में जो है अभी भी जो है वो जो जगह होती है वो अभी कच्ची होती है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है नॉनवेज खा लेंगे आपके पचेगा नहीं तो वापस आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मल आपका कठोर हो जाएगा और वापस जो है वहाँ पे कट लगने के चांसेस होते हैं। और एक बार फिशर का ऑपरेशन हो गया उसके बाद जो है आप वापस उसी जगह पे जो है कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि सेम जगह पे जो है कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ की जो है वो स्किन जो होती है वहाँ पे गड्ढा सा पड़ जाता है और जब मल आता है तो उस गड्ढे में अटक जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सीधे शब्दों में मैं अगर बताऊँ तो देखिए अगर आपके फिशर का ऑपरेशन हुआ है तो अगर आपको नॉनवेज से जो है एलर्जी है या फिर आपके नॉनवेज खाने के बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आपको जो है नॉनवेज बिल्कुल जो है अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 2 महीने तक तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप जो है नॉनवेज खाने की आपको बहुत ज़्यादा तलब रहती है तो आप जो है हफ्ते में जो है एक बार जो है नॉनवेज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखें कि एक ही समय के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे क्या है कि बॉडी को भी जो है पचने में जो है थोड़ी आसानी होगी और आपका खाना भी पच जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको फिशर का ऑपरेशन हो चुका है तो नॉनवेज खाते समय इन बातों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।